अमिता किचन में आपका वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल का अचार, जो बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आजकल कटहल का सीज़न है, कटहल के हम बहुत सारे डिशेज बनाते हैं। आज हम कटहल का अचार बनाएँगे। आप इसे पूरे साल यूज कर सकते हैं, यह अचार ख़राब नहीं होगा। कटहल का अचार बनाने के लिए हमने ये 500 ग्राम कटहल लिया है। इसे हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लिए हैं इस तरह से। हमें कुकर लेंगे, इसमें हम कटहल डालेंगे। कटहल को हमने अच्छे से धो लिया है, ये सारे पीसेज इसमें डाल देंगे। इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। अब हम इसे बंद करके 2 सीटी लगा लेंगे, जिससे कटहल हमारा अच्छे से उबल जाए। 2 सीटी में कटहल हमारा अच्छे से उबल जाएगा। कटहल हमारा अच्छे से उबल गया है। अब इसे हम एक छन्नी में डाल के इसे छानकर हमने इसके सारे पानी निकाल दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में डाल देंगे। और इसे हम तेज़ धूप में 2 घंटे डाल देंगे, जिससे इसके सारे पानी सूख जाएं और इसके सारे मॉइस्चर हट जाएं, तब अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। इसे बनाने के लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। हमने 1 चम्मच खड़ा धनिया लिया है। ये हमने 1 चम्मच राई लिया है। हमने पीली राई लिया है, आप कोई भी राई यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ लिया है। 1 चम्मच अजवाइन लिया है। ये हमने 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच मंगरेल, जिसे हम कलौजी भी कहते हैं, और 1 चम्मच जीरा लिया हुआ है। अब हम मसालों को भूनेंगे। सबसे पहले हम मेथी, मंगरेल और जीरा डालेंगे। इसे हम थोड़ा भून लेंगे। ये हमारा हो गया है। अब इसमें हम सौंफ डालेंगे, धनिया डालेंगे, राई डालेंगे और अजवाइन डालेंगे, और इसे भी हम भून लेंगे। कोई भी अचार हो, हमें सब मसाले भून के डालने से अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसे हम थोड़ा भून लेंगे। अभी हमारा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे गैस बंद करने के बाद भी 1 मिनट तक चलाते रहेंगे, जिससे मसाले हमारे जले ना। अब हम इन मसालों को ठंडा करके इसे निकाल के इसे मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हमारे अच्छे से सूख गए हैं। इसे हमने 2-3 घंटे धूप में रख के सुखवा लिया है और मसाले भी हमारे पीस गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, 2 बड़े चम्मच। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये 1 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट बनाया है, इस लहसुन का पेस्ट को भी हम इसमें डालेंगे। लहसुन का पेस्ट डालने से अचार हमारा बहुत ही टेस्टी हो जाता है। लहसुन को हमने दरदरा पीस लिया है। 1 चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, इसे आप अपने टेस्ट अनुसार डालें, जितना तीखा करना चाहते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें हींग डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालें। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच। और हम सारे मसाले, कटहल और सरसों का तेल अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले हमारे अच्छे से मिल गए हैं और अचार हमारा तैयार हो गया है। ये हमारा कटहल का अचार बन के तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप इसे एयर कंटेनर डिब्बे में भर के रख दें, ये पूरे साल ख़राब नहीं होगा। और आप इसे जब चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे कभी कभी धूप ज़रूर दिखा दें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।